गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के लिए फर्स्ट पार्ट देखा था। इस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि दो बच्चे हैं, एक का नाम निषाद है जिसको कई जगह पे सेवन के नाम से डिनोट किया गया है, और दूसरी लड़की है माया जो कि 10 साल की लड़की है। ये दोनों अपने आप को डिटेक्टिव के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, और इनके हिसाब से जो इनका परसेप्शन है कि एक व्यक्ति है मिस्टर नाथ जो कि इनकी मम्मा के हॉस्पिटल में एज पर पेशेंट एडमिट है, काफ़ी पतले दुबले हैं और चेहरे पे स्कार मार्क्स हैं, तो उनको ये लोग मान के चल रहे हैं कि ये क्रूक है। क्रूक बोले तो शैतान, बदमाश, यानी जो चोरी डकैती करता हो, लूट मार करता हो, यानी जो अच्छा आदमी ना हो। वहीं दूसरी तरफ वो जो मिस्टर नाथ है उनसे मिलने के लिए एक विजिटर संडे टू संडे एक आदमी आता है उससे मिलने के लिए। अब माया और निषाद ये दोनों मिलकर के कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की, जैसे कि एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स होते हैं, कि कैसे क्या क्या किया जाए। पीछे के में अभी हम लोगों ने इतना देखा, अब आगे देखते हैं क्या होता है सेकंड पार्ट में। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। अब माया जो है अपने बेड पे बैठी है पेपर के साथ और सभी एविडेंसेस को अरेंज करने की कोशिश करी, और ऊपर का कैप्शन दिया, हेडिंग दी उसकी, क्या, कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। मतलब उसने लिखा कि एक क्रूक को हम लोगों ने कैसे पकड़ा। जो दो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं उनके नाम हैं कौन कौन से, निषाद एंड माया पंडित, यानी ये दोनों बच्चों ने अपना नाम लिखा है, और इनका अपॉइंटमेंट कौन किया है, इनका अपॉइंटमेंट किया गया है पूरी दुनिया को बचाने के लिए। देन आई बिगेन राइटिंग। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टुवर्ड्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक, चिन कप्ड इन हिज पाम, रीडिंग कॉमिक्स। उसके बाद आधे घंटे तक लिखने के बाद अचानक इसकी नज़र पड़ती है अपने भाई निषाद की तरफ, जो पेट के बल लेटा हुआ है और अपनी ठुड्डी को अपने हाथों के बीच लगाए हुए और कॉमिक पढ़ रहा है। Want to hear what I have written? I asked. मैंने पूछा कि देखना चाहोगे, सुनना चाहोगे कि मैंने क्या क्या लिखा है। यहाँ देखिए बगल में निषाद की फोटो बनी हुई है, ये किस प्रकार से बेड पे लेटा हुआ है, कॉमिक पढ़ रहा है। He looked up questioningly. I have listened all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him, I said. I want to hear. फिर ये कहती है कि वो मेरे तरफ एक क्वेश्चन भरी निगाहों से देखता है, और मैं बताती हूँ कि हमने वो सभी फैक्ट लिस्ट कर रखे हैं जो उनको पकड़ने में हमें मदद करेगी, सुनना चाहोगे। सेवन नॉडेड, सेवन ने सिर हिलाया। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। फैक्ट नंबर वन, आई रेड, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो पहला फैक्ट इन्होंने जो डिस्कवर किया, क्या, उसका नाम है मिस्टर नाथ, और इसका पहला नाम हमें पता करना है। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जैसे अभी आपके स्कूल की ही बात करें, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनको हम लास्ट नेम से पुकारते हैं, जैसे पांडे सर या भटनागर सर। तो मिस्टर भटनागर, मिस्टर पांडे, लेकिन उनका पहला नाम क्या है, ये फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार से इन्होंने जो फैक्ट नंबर वन दिखाया है, वो दिखाया है कि ये जो क्रूक है, इनके हिसाब से इनका नाम है मिस्टर नाथ, लेकिन इनका फर्स्ट नेम पता नहीं है, वो पता करना है। डिड यू थिंक दैट्स इज रियल नेम माया, निषाद आस्क। निषाद पूछता है कि माया, क्या आपको लगता है कि ये मिस्टर नाथ जो है, ये इनका पहला नाम सही है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मोस्ट ग्रुप्स हैव एन अलायंस, आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। और वो कहती हैं कि नहीं नहीं, प्रोबेबली, यानी उम्मीद तो ज़्यादा यही है कि उनका ये नाम भी गलत होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रूक्स होते हैं उनके नकली नाम होते हैं। अलायंस का मतलब क्या होता है, नकली नाम या दूसरा नाम। और इन्होंने मिस्टर नाथ के आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो फैक्ट नंबर वन क्या था, कि फर्स्ट नेम इज मिस्टर नाथ, दे हैव टू डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। फैक्ट नंबर टू, आई रेड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस, द टेनेंट्स ऑन द शंकर हाउस सेज ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। सेकेंड फैक्ट है कि
जो भी वहाँ पे किराएदार रहते हैं शंकर के घर पे, वो कहते हैं कि मिस्टर नाथ जो है वो पागल हो गए हैं, अजीब हैं और अनफ्रेंडली हैं। ये हमारा फैक्ट नंबर टू है। फैक्ट नंबर थ्री क्या है? ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस। वो किसी से बात नहीं करते हैं और तहजीब से पेश नहीं आते। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड। और जैसे ही माया ने फैक्ट नंबर थ्री बताया, निषाद बीच में टोकता है और कहता है कि मम्मा तो कह रही थी कि वो बहुत ही पोलाइट हैं और हम लोगों से बात भी करते हैं। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड। मैंने कहा वो हमसे बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ा। एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। और मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर हैं इसलिए उनके साथ पोलाइटली बात करना उनकी मजबूरी है। फैक्ट नंबर फोर, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स। चौथा क्या है? उनको कोई भी चिट्ठी नहीं लिखता। घर से दूर कोई रहता है तो उसको चिट्ठी लिखी जाती है, उनको कोई चिट्ठी नहीं लिखता। सेवन नॉडेड। निशांत एक बार फिर से अपना सिर हिलाता है, यस। नंबर फाइव, ही इज बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन ए ईयर, आई कंटिन्यू। मैंने कहा कि फैक्ट नंबर फाइव क्या है? कि वो शंकर हाउस में यानी उस डॉर्मेट्री में रूम नंबर 10 में रह रहा है, एक साल से भी ज़्यादा हो गया। इतना लंबा ट्रीटमेंट किसी का नहीं चलता। नंबर सिक्स, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। छठवां नंबर का फैक्ट क्या है? वो कोई काम नहीं करते हैं और दिन भर अपने ही कमरे में बैठे रहते हैं। नंबर सेवन, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। सातवां नंबर का फैक्ट ये है कि शंकर हाउस में रहने वाले बच्चे और यहाँ तक कि बड़े भी उनसे डरते हैं। नंबर एट, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच। फैक्ट नंबर आठ है कि कोई भी विजिटर उनसे मिलने के लिए नहीं आता एक्सेप्ट एक, कौन? वो चश्मे वाला गोरा सा मोटा आदमी जो संडे को उनके साथ लंच करता है। फैक्ट नंबर नाइन, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल्स इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। दैट एंड्स माय लिस्ट, हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग? सेवन। और फैक्ट नंबर नाइन बताती है क्या? कि खाना और चाय के जो है उसके रूम में रमेश लेकर के जाता है नीचे के रेस्टोरेंट से और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहे हैं, तुरंत बिल पेमेंट करते हैं और टिप भी देते हैं। बस यहाँ मेरी लिस्ट खत्म होती है। क्या निषाद मैंने कुछ लिखना छूट गया? निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। और निशान निश्चित तौर से मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि मैं जो जो लिस्ट बता रही थी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था, बेचारा आदमी, और कितना अकेला फील करता होगा, उसकी कोई फ्रेंड नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। मैं लगभग चीख पड़ी ये चिल्लाते हुए कि एक चोर उचक्के का कोई फ्रेंड नहीं होता है, उसका फ्रेंड कैसे हो सकता है? एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निषाद। निषाद कहता है कि हाँ कम से कम एक दोस्त तो है जो उसे संडे टू संडे मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन। और तभी मेरे दिमाग में एक नया थॉट आया, वो भी कैसा? वेरी ब्रिलियंट थॉट। द मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लाइस इन क्राइम, आई सेड। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। अब माया कहती है कि निश्चित तौर से वो जो आदमी उनसे मिलने के लिए आता है वो उनका उस लूट का भागीदार साथी रहा होगा और वो उनको बीच बीच में पेमेंट करने के लिए आता है ताकि मिस्टर नाथ का खर्चा पानी चलता रहे। और ये बात के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। अब यहाँ पे निषाद थोड़ा सा उखड़ जाता है और कहता है कि अगर तुम बार बार उसको क्रिमिनल बुलाओगी तो मैं तुमसे कुछ भी डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। सेड निषाद एंग्रीली।
ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। और निषाद कहता है लेकिन वो इतना बुरा आदमी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो रमेश को हमेशा क्या करता है, अच्छी टिप्स देता है। टिप्स बोले तो खाने के बदले में जो वेटर्स को हम टिप्स देते हैं वो टिप्स। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। अब माया फिर कहती है कि जरूर रमेश को मिस्टर नाथ की पास्ट के बारे में पता होगा तभी वो उसको ब्राइब देता है, उसको घूस देता है, रिश्वत देता है ताकि वो उसकी पास्ट सबको ना बता दे। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। और अब इतना सुनने के बाद निषाद बिल्कुल गुस्से में भर जाता है और अपने सीने पे दोनों हाथ बांध के उसकी तरफ घूर कर देखता है जैसे बहुत हुआ। और मैं अब अपने भाई से तंग आ चुकी हूँ क्योंकि वो उसको अच्छा बता रहा है और मेरे हिसाब से वो क्या है, क्रोक है। हाउ कैन यू मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ यू टेक दैट एटीट्यूड, सेवन आई आस्क्ड। मैंने कहा सेवन या निषाद अगर तुम इस तरह के इन्वेस्टिगेशन का एटीट्यूड बनाओगे तो हम कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे। आई विल कॉपरेट ओनली इफ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप क्रू, सेड सेवन। यू रियली मेक मी एंग्री। अब निषाद जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगा जब तुम अपना ये जो एटीट्यूड है ये तुम चेंज करो कि वो जेल से भागा हुआ है या पुलिस से भागा हुआ एक बदमाश क्रिमिनल है और ये चीज़ें मुझे गुस्सा दिलाती है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड। अब बड़ी बहन है, गुस्से में आके उसने लगभग उसको एक थप्पड़ जड़ ही दिया था और गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, यू स्टूपिड, तुम बेवकूफ़ हो, यू मेड मी मैड, वॉट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ इट डज नॉट अक्रू। निषाद कहता है तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया है और इन सब पॉइंट को बनाने का क्या मतलब, इतनी इंक्वायरी करने का क्या मतलब अगर वो बदमाश ना हो तो। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम प्लीज़ टेल मी। तो माया कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि वो क्रूक नहीं है तो बताओ इतना सब मेहनत करने का क्या मतलब है। निषाद लुक थॉट पर, निषाद कुछ सोच में पड़ जाता है। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन एंड वाई ही इज सो लोनली। निषाद कहता है मैं जानना चाहूँगा कि वो इतना दुबला पतला क्यों है और हमेशा अकेला क्यों रहता है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलोन। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो अकेला क्यों रहता है, उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम इफ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजन मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब माया कहती है कि समझने की कोशिश करो सेवन, अब वो करीब एक साल से उस शंकर हाउस में रह रहा है और एक साल में उसने एक भी दोस्त नहीं बनाए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। उसको इस बात का निश्चित डर होगा कि अगर वो दोस्ती करेगा तो कोई उसको पहचान सकता है और पुलिस बुलाकर उसे पकड़वा देगा। मे बी नो वन इज ट्राई टू मेक फ्रेंड विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। निषाद कहता शायद किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं की। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वॉट अ नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। अब वो कहती कोई क्यों कोशिश करेगा, तुम देख रहे हो वो कितना अकेला रहना पसंद करता है। नेस्टी बियर का मतलब अजीबो गजीब प्राणी। आई डोंट केयर, सेड निषाद स्टबर्नली। निषाद बिल्कुल उखड़े हुए सर से कहता है मुझे मतलब नहीं, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड, मुझे वो पसंद है और मैं उससे दोस्ती करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हा यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड। अब माया कहती है एक चोर उचक्के से दोस्ती करोगे, तुम पागल हो गए हो। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, पुलिस वाले तुम्हें भी उठा के जेल पे ले जाएंगे। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, अब वो उसको डांटती है और कहती है बेवकूफ क्या तुम जेल जाना चाहते हो। निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉक्ड आउट ऑफ द रूम। निषाद ने शायद ही मेरी तरफ घूर कर देखा और चुपचाप रूम से बाहर निकल गया।
माई थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, और शायद मैंने जितना कुछ थ्योरीज बनाई थी ये इनका मेरे भाई पे निशात पे कोई भी असर नहीं हुआ। ये एक स्टोरी रिटन बाय शारदा द्विवेदी, और ये जो पूरी बुक है द ब्रोकन फ्लूट के नाम से, उससे ये एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है। कभी कभी कुछ बड़ी स्टोरीज जो होती हैं उन बड़ी स्टोरीज़ को कर्टेल करके एक छोटा पार्ट हम लोग को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ऐसा ही एक छोटा पार्ट अभी आज हम लोगों ने पढ़ा एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के नाम पे। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी थोड़ी देर में इस टेक्स्ट के साथ आपको दूंगा। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप कंप्लीट कीजिएगा अपनी कॉपीज़ में। अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।